हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग हम लोग के साथ फटाफट से कनेक्ट होते जा रहे हैं, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब आज देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स रहेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि 7 से 8 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, CDS हो, NDA हो, एनी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपको करंट अफेयर्स का ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेशन में क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं वो अभी जल्दी से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको बता देते हैं कि क्लासेस जो हैं वो किस टाइम पर आपको देखने को मिल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि मैम अन अकेडमी पर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो पहले तो ये जान लो कि सुबह 6 बजे सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज़ किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और फिर बाद में बोलोगे आप लोग कि मैम आपने करंट अफेयर रिवाइज़ नहीं कराया। तो प्लीज़ सेशन को देख लिया करो, डेली बेसिस पे 10 से 12 सवाल होते हैं, हर दिन के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसके अलावा 7 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर्स का शो, यानी कि सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक। इसके बाद पॉलिटी का जो क्लास है वो होता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 4:30 बजे। कल क्लास नहीं हो पाया था, उसका रीज़न ये था कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मैंने आपको बता ही दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज शाम में आपको 4:30 बजे क्लास मिलेगा जिसमें हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शाम में पहुंचना मत भूलना। हाँ, अन अकेडमी पर क्लास नहीं मिल पा रही है, मुझे पता था ये क्वेरी आने वाली है। अब देखो, पहले सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, अन अकेडमी पर जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे उसके बाद, अगर जैसे कि अभी नए लोग जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोड यूज़ करना है वो रहेगा वाईफाई चैम। इसके अलावा जो बैचेस अभी फ़िलहाल चल रहे हैं वो हैं SSC CGL का, और जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम मंडे हो जाएगा, वो रहेगा CHSL का, जिसमें GS का जितना भी पार्ट है, करंट अफेयर्स का जितना भी पार्ट है, या फिर आप ये कह सकते हो GS विद करंट अफेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलने वाला है। और GS में सिर्फ ऐसा नहीं होगा पॉलिटी ज्योग्राफी, वहाँ पे हिस्ट्री भी होगा, आपको साइंस भी मिलेगा, इवन इकोनॉमिक्स के भी जितने ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे सवाल बन जाता है वो भी कवर किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ये सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से अवेल कर लो, ताकि सेशन में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपकी मिस हो जाए। कोड क्या यूज़ करना है? वाईफाई चैम कोड यूज़ करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। आज हम जो लिंक है वो आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे कि क्लासेस आपको कहाँ से मिलेंगी, इन केस तब भी प्रॉब्लम होती है नहीं मिल पाती है तो एक बार सर्च करिएगा क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स SSC CGL 2020 के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 9 बजे क्लास होती है। चलो, अच्छा, अब ये तो बातें हो गई, अब इसके अलावा आ जाते हैं ज़रा काम की बात करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात। सबसे पहले देखो MCQ के सेशन रहेगा, इसके बाद जब आप देखेंगे तो न्यूज़ का पार्ट मिलेगा। MCQ में आपको जितना भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो पुरानी वाली कोई न्यूज़ रही हो या फिर स्टैटिक पार्ट हो, वो पूरा पूरा कवर किया जाएगा। आई एम गुड, अभी तबीयत थोड़ी सी बेटर है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, दिल्ली की जो सर्दी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ मिलेगी, एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा स्टेट का। स्टेट में मैंने आपको बताया था कि MP के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, MP के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। DRDO का जो क्लास है, जो बैच है, वो भी बहुत जल्दी इसी पे शुरू हो जाएगा अन अकेडमी पे। तो देखो, एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद जितने भी बैचेस होंगे वो सारे के सारे आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। आपको बार बार उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ये पूरे एक साल का होगा, पूरे ईयर का होगा ये। ठीक है, अच्छा, MP में हम लोगों ने स्टैटिक डिस्कस कर लिया था। अब इसके अलावा जो करंट का सीन है, मतलब करंट के जो भी पार्ट्स हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे MP से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कंट्री। देखो, कंट्री जो है ना वो आज पुर्तगाल डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये अलग से नहीं, न्यूज़ में जहाँ पे पुर्तगाल आने वाला है हम लोग वहीं पर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलग से मैंने इसको नहीं लिखा, बट हाँ कंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस करने वाले हैं, एज यूजुअल हमेशा ही होती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सेशन को शुरू किया जाए। यहाँ पे हरियाणा को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, ऑल दो हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, अच्छा, अब उम्मीद करते हैं न्यू फॉर्मेट में चाहिए, कोई नहीं, आप टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है उस पर कनेक्ट रहिएगा, हम दोनों फॉर्मेट शेयर कर देंगे। जिसको ओल्ड फॉर्मेट चाहिए वो ओल्ड वाला फॉर्मेट ले, जिसको न्यू वाला फॉर्मेट चाहिए वो न्यू वाला फॉर्मेट ले। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब इतनी चीज़ें बताने के बाद शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थॉट।
इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट. तो होता क्या है यार, लाइफ में हम लोग एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस एफर्ट के लिए जो हम लोग यहाँ पे पैशन दिखाते हैं या हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो परफेक्ट होना चाहिए, और उसी के चक्कर में हमारे जो एफर्ट्स होते हैं ना वो वेस्ट हो जाते हैं. तो हमेशा कोशिश ये किया करो कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं पॉजिटिव एफर्ट्स करो, एक ना एक टाइम पे वो आपको एज अ गुड रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलते हैं. तो हमेशा एफर्ट्स होने चाहिए, पैशन होना चाहिए, एंड परफेक्शन तो लाइफ में होना ही चाहिए. चलो अच्छा, अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइन से. सबसे पहले जो न्यूज़ हेडलाइन है वो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है. बात कर लेते हैं कि ऑर्डर यहाँ पे क्या है. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द लोकसभा असेंबली कैंडिडेट्स. अब देखो ये न्यूज़ है क्या, हम लोग आज पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमको इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है या फिर अगर कोई भी ऐसा सदस्य है, मेंबर है, जो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मतलब कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने जा रहा है, तो उसके बारे में जितना भी डिटेल है वो सारा का सारा डिटेल अब पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में भी और टीवी में भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. अगर उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है तो उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. अभी तक क्या होता था, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर नहीं करी जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. इसके अलावा एक और न्यूज़ यहीं पर इसके साथ में आपको देखने को मिलेगी, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग दल बदल कानून के नाम से जानते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जिसकी वजह से आपको ये न्यूज़ जो है वो भी रिसेंटली आज के पेपर में देखने को मिल रही है. तो बी प्रिपेयर, इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे. सिर्फ ध्यान रख लेना कि ये एक न्यूज़ हेडलाइन है, फॉरन नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. इसके अलावा देखो एक और न्यूज़ हेडलाइन है, करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 124 है, 28th of January 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था. बिल्कुल करेक्ट, किशन ठाकुर जी ने देखो बिल्कुल अच्छे से आंसर भी कर दिया. अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे रहेगी ऋषि सुनाक. इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, यानी कि यूके के अंदर अभी इनको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है. तो थोड़ी सी बात यूके के बारे में कर लेते हैं. देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम क्या है, अजय वॉरियर है. कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जा रही है, तो ये इंग्लैंड के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी जा रही है. नेक्स्ट आपको याद रखना है, यूके अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, जिसको एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है, वो नाम है ब्रेक्सिट. ध्यान रखना BR फॉर ब्रिटेन हो जाएगा, एग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और यहीं पर आपको नाटो का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है. तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, दो तीन की फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है. इसके अलावा अगर यहाँ पे PM पूछे जाएंगे, PM आप लोग जल्दी से अच्छा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, यूके के PM का नाम क्या है, यूके के PM का नाम क्या होगा, फटाफट से आंसर करो. यहाँ पर यूके के अगर PM का नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम क्या रहेगा. अब आ जाते हैं होमवर्क वाले सेशन पे, जो मैंने आपको सवाल दिए हुए थे होमवर्क में. करेक्ट, ब्रेक्सिट हो गया, 31st January जो था वो लास्ट डे था. जल्दी बताओ, PDF जो है देखो ऐप पे भी मिल जाती है, और वीडियो के नीचे अगर आप लोग अटैच करने की बात कर रहे हो तो 3 बजे के बाद या फिर अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास एक बार चेक कर लिया करो, वहाँ पे अटैच हो जाएगी अब से. बोरिस जॉनसन, बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे बोरिस जॉनसन रहेगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छा अब देखो आ जाते हैं होमवर्क पार्ट पे, जो मैंने आपको सवाल दिए हुए थे होमवर्क में. सबसे पहला क्वेश्चन था, हु हैज़ वॉन दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड पूरे साल भर का जो होता है वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है. तो यहाँ पे डेविड वॉर्नर, इनके नाम से हर कोई वाकिफ है, कुछ नया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ये. और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे विमेन कैटेगरी में, तो एलसी पेरी को दिया गया है ये अवार्ड. दोनों ही नाम याद रखिएगा. देखो ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या याद रखना है, कैपिटल कैनबेरा हो जाएगी. करेंसी पूछी जाएगी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी इसकी करेंसी. नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एज सच कोई अलग से एक्सरसाइज अगर होती है तो जल्दी से ज़रा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या कोई एक्सरसाइज होती है, या फिर क्या कोई ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, या फिर कोई 3 देशों के बीच में एक्सरसाइज है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता हो. जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आंसर करके बताओ, और यार सेशन को प्लीज़ शेयर करते जाया करो, या मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़ा करे, ये तो आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है. राइट, तो है ही, बट इट्स अ ड्यूटी ऑल्सो. प्रीति पटेल, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री जो है वो प्रीति पटेल के पास है, शी इज़ ऑल्सो इंडियन. राइट, PDF ओल्ड फॉर्मेट में ही मिल रही है. आप लोग टेलीग्राम पे पता नहीं क्यों कनेक्ट ही नहीं होते हो, इतनी बार आपको बोला है मैंने, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से चैनल है, जब तक वहाँ कनेक्ट नहीं होगे PDF कैसे मिलेगी, कैसे आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट करी जाएंगी. तो प्लीज़ डू कनेक्ट.
चलें आगे। अच्छा देखो आया है यहाँ पे, ठीक है, वेरी नाइस। चलो अच्छा अब देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा था मैंने, विच ई कॉमर्स कंपनी टाइड अप विद द आसाम। सवाल में मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने अभी हाल ही में आसाम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। आंसर क्या बनेगा? फ्लिपकार्ट। जल्दी से फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट से आंसर आना चाहिए। अब देखो आसाम आया है और इसके साथ यहाँ पे टाई अप किया है, तो किसका रीज़न क्या है? तो आसाम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि टी है ना, इसके अलावा अगर देखोगे तो काफ़ी सारे वहाँ पे जितने भी आप कह सकते हो जितनी भी चीज़ों की अलग अलग वेराइटी मिलती है टी में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के किस तरीके से सेल किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने आसाम के साथ टाई अप किया हुआ है। आसाम के पार से देखो सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सीएम पूछे जाएंगे तो सोनवाल जी रहेंगे, गवर्नर पूछे जाएंगे तो जगदीश मुखी जी बनेंगे। इसके अलावा आसाम की जो कैपिटल है दैट इज़ दिसपुर, आसाम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था थर्ड खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, किस जगह पर? गुवाहाटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके जल्दी से आंसर, आंसर अभी तक नहीं आया मेरे पास। बिनी बंसल ना, जल्दी जल्दी से, कल्याण कृष्णमूर्ति, करेक्ट, कल्याण कृष्णमूर्ति रहेगा यहाँ पे फ्लिपकार्ट के जो हेड है उनका नाम रहेगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड खेलो इंडिया गुवाहाटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। गुवाहाटी जो है कौन से रिवर के किनारे पर है? ब्रह्मपुत्र के किनारे पर है। आसाम में ही आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड, और ये जो आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कामाख्या टेम्पल भी देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखोगे औरंग नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क। तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स आपको बताए हैं ये याद रखिएगा, जल्दी से बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, फटाफट से आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से। अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? और हाँ ये भी याद रखना आसाम के अंदर ना अभी कुछ टाइम पहले अरुंधति नाम की जो स्कीम है उसकी भी शुरुआत करी गई थी, शिशु ऐप भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे सवाल क्या था, व्हाट इज़ द नेशनल, सॉरी व्हेन इज़ द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 13th of February को। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी क्रॉप के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब है एफिशिएंसी से, यानी कि एफिशिएंसी को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे एक पूरा डे सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज़ 13th of February को। ओके काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी नाइस। अब देखो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया था, तो यहाँ पे पिंकी जी हैं, रवि जी हैं, मनीषा जी हैं, तो आंसर जो हैं हमेशा डिटेल में किया करो, कह कह के थक गए हैं पिछले 5 महीने से यही बातें तुम लोगों को बोल रहे हैं कि आंसर हमेशा डिटेल में किया करो, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है तो वो कैसे अलग अलग आपको फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है ये आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब आ जाते हैं एमसीक्यू के सेशन पे। सबसे पहला जो सवाल आपको देखने को मिल रहा है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर करना शुरू करो। सवाल देखो यहाँ पे क्या है, विच कंपनी वॉज नेम्ड एज द हाइएस्ट प्रॉफिटेबल PSU इन पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2018 to 2019। आंसर करो। हाँ वो पल्सेस डे वाला भी बता रहे हैं, अभी आगे इसके ऊपर मैंने सवाल बनाया हुआ है, परेशान मत हो, वो वहाँ पे 11 लिखा हुआ था ना उसको भी 10 करवाते हैं, हैव पेशेंस। देखो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा PSU है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर रहेगा यहाँ पे ONGC। ओके 13th of February विमेंस डे, ये भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ONGC रहेगा इसका राइट आंसर। अब देखो पहले कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, एयर इंडिया नज़र आ रहा है ना, एयर इंडिया में 100% FDI कर दिया गया है, यानी कि जितने भी शेयर थे गवर्नमेंट के पास वो सारे के सारे शेयर्स क्या किए गए हैं यहाँ पर, अब प्राइवेट कंपनीज़ को बेचना शुरू कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 100% जो FDI है अब वो आपको एयर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे भेल लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, भेल क्या है? तो ये भारत आप कह सकते हैं कि जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उन सबको प्रोड्यूस किया जाता है भेल के अंदर। इसमें भी बोला गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि अब इसमें किसी भी तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो देखो दो सवाल यहाँ से और पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला कौन सा ऐसा एयरलाइंस है जिसके जो शेयर्स हैं वो पूरी तरीके से बेच दिए गए हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, या फिर 100% FDI जो है उसको इनवाइट किया गया? आंसर रहेगा यहाँ पे एयर इंडिया।
दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सी इनमें से ऐसी है जिसको जो पूरा 100% जो FDI थी उसको लाने की बात कही गई थी बजट में, लेकिन अभी उसको रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पे भेल, ठीक है। अरे सारे डे बता रहे भाई, रुक तो जाओ, सवाल तो आगे आने दो। तुम लोग का रेडियो डे, विमेंस डे, ये डे वो डे, इतने सारे तो डे हैं, कितने डे याद रखे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, कितने सारे डे याद रखे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मुझे तो लग रहा है सीधे सीधे पोर्तुगल से आए हो आप अभी भी। चलो अच्छा, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ONGC जो है वो आपको सबसे टॉप पे देखने को मिल रही है, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद नंबर टू पे आपको देखने को मिल रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और तीसरे नंबर पे रहेगा NTPC। ये NTPC एग्जाम वाला नहीं है, रेलवे, मतलब NTPC जैसे ही आता होगा ना, बड़ा दुख होता होगा। चलो अच्छा, दूसरा सवाल देखो यहाँ पे। इवनिंग वाले क्लास की टाइमिंग कम ना करें। अरे हम कम नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि वो बढ़ जाए, क्योंकि हाफ एन आवर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब चीज़ें उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पाती। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अनअकैडमी पे भी क्लासेस आने वाली हैं GS की। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, इंडिया इज़ गोइंग टू साइन द MOU विद विच कंट्री ऑन सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट। सवाल में पूछा जा रहा है कि मत्स्य यानी कि फिशरी के लिए अभी हाल ही में भारत जो है वो कौन से देश के साथ एक समझौता करने जा रहा है। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बजट में बोला गया था कि फिशरीज़ को, यानी कि ये जो फिशरीज़ का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, तो इन सबको और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि फिशरी की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस बार के बजट में काफ़ी सारी बातें बोली गई थी। अब इंडिया कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन करने जा रहा है, MOU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा MOA का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। MOA में आंसर क्या बनेगा, फटाफट से आंसर करके बताओ। ओके, और इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे आइसलैंड। अब जरा देख लेते हैं ऑप्शन के साथ, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलते हैं, फिर आते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। देखो मालदीव्स, कैपिटल क्या रहेगी, माले रहेगी। दूसरा यहाँ पे अगर पूछा जाता है करेंसी तो मालदीवियन रुपया। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। इसके अलावा रुपे कार्ड की शुरुआत करी गई है भारत के द्वारा। एंड नेक्स्ट LED लाइट की जो सुविधाएं हैं वो भी माले को प्रोवाइड करी जाएंगी। ये हो गया मालदीव्स। और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति पूछे जाएंगे तो इब्राहिम सोली जी एज अ प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। अगला देखो USA, USA के पार्ट से आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज तो पहले बता दें। इंडिया मालदीव्स के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, इक्वेरिन। इंडिया और USA के बीच में जो एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली हुई थी उसका नाम है टाइगर ट्राइम। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ना इट्स मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जितने लोगों ने बोला है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे टाइगर ट्राइम कहाँ हुई थी, विशाखापट्टनम के अंदर, और ये इंडिया और USA के बीच की आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 24th और 25th को, यानी कि अभी रिसेंटली भारत की यात्रा पे आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है कि काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपको साइन होते हुए देखने को मिलेंगे। स्पेशली कौन से सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में साइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रशिया लिखा हुआ है, तो रशिया से जुड़ा हुआ एक पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, और S-400 जो है वो इंडिया ने खरीदी हुई है किससे, रशिया से। ये मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हो, S-400 के अलावा क्या कोई और भी मिसाइल है जो इंडिया रशिया से लेने वाला है, ध्यान देना, लेने वाला है, यहाँ पे खरीदने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, इंडिया जो है वो रशिया से और कौन सी मिसाइल खरीदने वाला है, फटाफट से आंसर करो। जल्दी से आंसर आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। जितने लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर करते जाया करो। धर्मपाल जी, इसका आंसर जो है ना मेरे पास तो नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता इसका आंसर। जो आंसर मुझे नहीं पता वो नहीं पता, और मुझे कोई शौक भी नहीं है इसको जानने का। तुम लोग कैसे मतलब कभी तो पढ़ लो, जल्दी से आंसर करके बताओ यहाँ पे, रशिया से कौन सी ऐसी मिसाइल है जो इंडिया खरीदने वाला है। अब देखो यहाँ पे रशिया के पार्ट से आपको ये भी याद रखना है कि दो ऐसी कॉन्फ्रेंस हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। सबसे पहले हो जाएगी SCO, इसी जगह पर ऑर्गेनाइज करी जाएगी, और दूसरी रहेगी यहाँ पे ब्रिक्स का सम्मेलन, ये भी कहाँ होगा, रशिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला देखो मलेशिया, मलेशिया के पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले कैपिटल कुआलालंपुर हो जाएगी, और इसके अलावा अगर सवाल बनता है तो पाम ऑयल पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री से पाम ऑयल को यहाँ पर इम्पोर्ट करता है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी मलेशिया, ठीक है। K4 तो इंडिया की खुद की है, आंसर नहीं आ रहा है, अभी तक भी नहीं आया। वो देखो राफेल ही खरीद डाला है रशिया से, मतलब हद है, इतनी बार बताने के बाद कि राफेल फ्रांस, उसके बाद भी राफेल खरीद लिया तुम लोगों ने, भाई इट्स मेटेओर, कई बार बोला हुआ है, मेटेओर का नाम मैंने कई बार लिया हुआ है,
चलो स्पाइक इज फ्रॉम इसराइल, तुम लोग ना कसम से। चलो अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिशरीज़ के लिए यहाँ पे जो एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है वो इंडिया और आइसलैंड के बीच में साइन होगा। अब आइसलैंड की लोकेशन कहाँ पर है, ज़रा एक बार से मैप के पार्ट पे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एग्जाम में नॉर्मली पूछा जा सकता है कि आइसलैंड जो है वो आपको कौन से महासागर में या फिर कौन से ओशियन में देखने को मिलता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ओके करेक्ट राइट। अब देखो अगर इनके सपोज करो कि पूछ लिया जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है, तो रिकजैविक जो है वो इसकी कैपिटल रहेगी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ लोकेशन वाइज सवाल बना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पे आओ, वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड रिसेंटली। ध्यान रखना मैंने मीटिंग पूछी हुई है, मैंने एक्सरसाइज नहीं पूछी है। बिम्स्टेक की जो भी हाल ही में मीटिंग हुई है, जो भी बैठक हुई है, वो कहाँ पर आयोजित करी गई थी। बिम्स्टेक की बात करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे देश देखने को मिलते हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। इसके अलावा इसका हिस्सा नेपाल भी है, भूटान भी है और थाईलैंड भी इसका पार्ट है। ये तीन ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री, जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इसका पार्ट है। इसको सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सार्क सबको पता है ना कितनी कंट्रीज है, 8 है। अब सार्क में से अगर हम एक कंट्री को माइनस कर दें, वो कौन सी है, पाकिस्तान, तो निकल के क्या बन जाएगा, बिम्स्टेक बन जाएगा। सो इजी है ना। तो बिम्स्टेक के अंदर अगर हम देखें तो कितनी कंट्रीज आएंगी, बिम्स्टेक में आपको टोटल 7 देश देखने को मिलते हैं और इंडिया दोनों में कॉमन है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर रहेगा नई दिल्ली। दिल्ली में इसकी बैठक हुई, लेकिन मान लो सपोज करो एग्जाम में पूछा गया कि इनकी अभी जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई वो कहाँ हुई थी, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो भी आंसर करो। अभी जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई है बिम्स्टेक के देशों की, उसका आयोजन कहां पर किया गया है, फटाफट से आंसर करके बताओ। जल्दी से आंसर आना चाहिए। करेक्ट, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ढाका के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो महाराष्ट्र के पार्ट से मैंने कई बार वैसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी याद रखना जुडिशरी इंडेक्स के अंदर महाराष्ट्र टॉप पे रहा। इसके अलावा यहीं पर मुंबई के अंदर फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था, मुंबई वाला। नेक्स्ट रहेगा जेरूसलम और मुंबई, ये जो फेस्टिवल है ये सबसे पहली बार मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। तडोबा नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा लूनार लेक जो है, लूनार झील भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है। अजंता केव, एलोरा केव और एलिफेंटा केव्स, ये जो गुफाएं हैं ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगी। ठीक है, भुवनेश्वर, करेक्ट, भुवनेश्वर रहेगा इसका राइट आंसर। अगर एक्सरसाइज पूछी जाएगी तो ओडिशा के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओडिशा के पार्ट से आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे यूनिवर्सिटी, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको याद कर, अच्छा एमपी तो पूरा पूरा डिस्कस करने वाले हैं तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। गुजरात के पार्ट से आपको ये ध्यान रखना है COP 13, कौन सा वाला, CMS, जिसको यहाँ पे बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और आज मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आ जाएगा, एक बार से उसको चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे COP 13 जो है वो ऑर्गेनाइज करी जा रही है गुजरात के गांधीनगर में, और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह जी की, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। और गांधीनगर सबसे पहला ऐसा जिला है, सबसे पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, गुजरात का, जो केरोसिन फ्री डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलो अच्छा अगले सवाल पे आओ, हु डेवलप्ड भाभा कवच। ये एक तरीके की जैकेट है जो आपको मैंने कई बार बताया भी हुआ है इसके बारे में। आपको ये बताना है कि ये जो जैकेट है ये इनमें से किसके द्वारा डेवलप करी गई है, फटाफट से आंसर करो। देखो DRDO के बारे में ये ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है और सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं। इसके अलावा K4 मिसाइल जो है अभी रिसेंटली उसको टेस्ट फायर किया गया, और वो भी 2 बार टेस्ट फायर किया गया, एक ही मंथ में 2 बार इसको टेस्ट फायर किया गया। तो ये याद रख लेना कि K4 में K का मतलब कलाम है, यानी कि कलाम सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे बारक। पहले तो ये आंसर करो, उसके बाद मुझे ये भी आंसर करके बताओ कि एक हेलमेट भी डेवलप किया गया है जिसमें ये बोला गया था AK-47 जो उसकी बुलेट होती है उससे बचाने का काम करेगा। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन वो जो हेलमेट डेवलप हुआ है वो किसके द्वारा डेवलप किया है, नाम कमेंट सेक्शन में फटाफट से नाम बताओ कि वो हेलमेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, इसको डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। ये नाम याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी, 360 डिग्रीज बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। फटाफट से वो भी आंसर कर दो जो मैंने सवाल पूछा है, जो हेलमेट डेवलप किया गया है वो हेलमेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेम ऑफ दैट पर्सन, पर्सन का नाम बताओ। अनूप कुमार मिश्रा, अच्छा हेलमेट 10 मीटर रेंज, ओके। इंटरनेशनल पोटैटो कॉन्क्लेव पे इतना मुस्कुराता कौन है, ओके चलो ठीक है,
चले आगे अगले सवाल पे, चलो आगे डेज वाले आ गए यहाँ पे डेज वाला, बड़ा परेशान थे आप लोग। ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, आंसर जल्दी से बताओ, वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है। सॉरी आंसर क्या बनेगा इसका, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ फेब की बात करोगे तो ये हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इसके बाद सेकेंड ऑफ फेब हो जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे, फोर्थ की बात करोगे तो वर्ल्ड कैंसर डे रहेगा, इसके बाद टेंथ की बात करोगे तो ये रहेगा वर्ल्ड पल्सेस डे। ये भी याद रख लेना कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे भी हम लोग यही वाली ऑर्गेनाइजेशन देखने जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम के अंदर। आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 13th ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रहा यहाँ पे 13th ऑफ फेब रेडियो डे। थीम अगर पूछी जाएगी तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी, समझ रहे हो डाइवर्सिटी क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया के अंदर अगर देखें तो अलग अलग धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने इस स्कीम का नाम भी सुना हुआ है, तो ये सब किससे जुड़ी हुई है, यूनिटी के बारे में बात करती है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उन सबको यूनाइट कैसे किया जाएगा, उससे जुड़ी हुई ये आपको थीम देखने को मिल रही है। तो ये सारे डेज मैंने आपको बताए दिए, लेकिन एक और याद रख लेना, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे भी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। चलो अच्छा अगले सवाल पे आओ, विच कंट्री स्क्रैप्ड अ 20-year-old सिक्योरिटी पैक्ट विद द US, USA के साथ इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने 20 साल पुराने एग्रीमेंट्स को, अपने पैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है, आंसर बनेगा यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा ऐसा किया गया है। और ये भी याद रखना कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना के बाहर जो सबसे पहली डेथ हुई है वो आपको फिलीपींस के अंदर ही देखने को मिलेगी। फिलीपींस की कैपिटल क्या बन जाएगी, यहाँ पे मनीला रहेगी, करेंसी पूछी जाएगी तो फिलीपीन पेसो रहेगी इसकी करेंसी। मनीला के अंदर ही आपको ADB का हेडक्वार्टर मिलता है, ADB में टोटल 68 मेंबर्स हैं, नियोई नाम की जो कंट्री है वो लेटेस्ट वाली है, इसके अलावा 1967 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे थोड़े से इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो पैक्ट है वो यहाँ पे कैंसिल किया गया है फिलीपींस के द्वारा USA के साथ जितने भी पैक्ट थे। एक बार मैप में लोकेशन देख लो कहाँ पर आएगी, तो ये आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ फिलीपींस, और यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ना दिस इज़ साउथ चाइना सी, ठीक है, ये है साउथ चाइना सी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फिलीपींस है वो आपको कौन से ओशियन में देखने को मिलता है, तो आंसर बनेगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। लेकिन अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर इसके नियर अबाउट कौन सा सी है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे साउथ चाइना सी। बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। और यहाँ पे देखो ऊपर ताइवान लिखा है और नीचे फिलीपींस है, यहीं पर इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है लक्सन स्ट्रेट, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बी प्रिपेयर। अगला सवाल देखो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर 2020 में। ऑस्कर 2020 में जो बेस्ट मूवी रही है वो है पैरासाइट फ्रॉम साउथ कोरिया, लैंग्वेज जो है वो कोरियन लैंग्वेज रहेगी, और पहली नॉन इंग्लिश मूवी है। नॉन इंग्लिश मूवी जहाँ पे टर्म आ रहा है ना, समझ लेना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, जैक्विन फिनिक्स रहेगा इसका आंसर। कौन सी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो मूवी का नाम बनेगा यहाँ पे जोकर। और म्यूजिक के पार्ट पे अगर पूछा जाता है तो म्यूजिक के पार्ट पे भी इसी मूवी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ब्रैड पिट को मिला है यहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर के लिए, राइट करेक्ट। टाल वॉल्केनो जो है वो भी यहीं पर आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है। आज कौन सा डे है, आज कोई डे नहीं है, इट्स फ्राइडे। नेक्स्ट देखो वन लाइनर में देखो सवाल यहाँ पे क्या क्या पूछे जा रहे हैं, या सेशन को शेयर करते जाना, पसंद आया करे तो डू लाइक द सेशन, या सेशन को लाइक करते जाया करो, क्योंकि ये जो आपके लाइक होते हैं या जो आप शेयर करते हो ना वो एक तरीके के मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है उससे, बट इट्स जस्ट लाइक अ मोटिवेशन टू अस। अब देखो फटाफट से विदाउट एनी ऑप्शन है जल्दी जल्दी से आंसर करते जाना, कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत करी गई, तो फटाफट से इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी हरियाणा। हरियाणा के अंदर ही सूरजकुंड मेले की शुरुआत करी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू दी RBI नोटिफिकेशन, RBI के द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह बोला गया कि 1 रुपए का जो नोट है वो नया आने वाला है, यानी कि नई करेंसी इसकी देखने को मिलेगी। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नया वाला नोट होगा ये किसके द्वारा साइन किया जाता है, जल्दी बताओ, महाराष्ट्र, इट्स नॉट महाराष्ट्र, इट्स हरियाणा। कितने अलग अलग, कितने गलत गलत आंसर कर रहे हो, क्या हो गया है, पिछले 2 दिन से सेम स्कीम पढ़ा रहे हो उसके बाद भी गलत आंसर आ रहे हैं, रिवीजन नहीं होता है ना, मुझे पूरी श्योरिटी इस चीज़ की कि रिवीजन नहीं होता। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर रहेगा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इसके ऊपर साइन करेंगे। याद रख लेना कि इसके अलावा जितनी भी करेंसी आती है उन सब के ऊपर जो साइन होता है वो RBI के गवर्नर का होता है। अगला सवाल देखो,
आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां के उपराज्यपाल के द्वारा एक स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन आउटरीच कैंपेन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूजन, मतलब हर एक को इंक्लूड करना। तो इंक्लूजन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति को उस यूनियन टेरिटरी के अंदर इतना काबिल बना देना है कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को खुद से बेहतर कर सके। अब ये जो कैंपेन है ये कौन से यूनियन टेरिटरी में शुरू करी गई है, आंसर बताओ यूनियन टेरिटरी कौन सी रहेगी? तो आंसर यहाँ पे बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। उपराज्यपाल लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा हुआ है, तो गिरीश मुर्मू जी रहेंगे यहाँ के, आपको देखने को मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर पूछा जाता है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आंसर बनेगा आरके माथुर जी। अभी रिसेंटली जो आइस हॉकी है वो भी लद्दाख के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई थी। अगला देखो सवाल, वन लाइनर। या वन लाइनर सवाल लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सोच रहे हैं कल से सारे सवाल वन लाइनर, नो ऑप्शंस, कैसा रहेगा बताओ? कैसा रहेगा अगर सवालों पर जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ही हटा देते हैं, सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चन वन लाइनर कर दिया जाए? ऐसा जैसे आप बोलो सेशन उसी तरीके से चलेगा। अगला सवाल देखो, कोरोना वायरस का जो नया नाम है वो क्या रखा गया? और हाँ, इस नाम से जुड़ा हुआ मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया, एक बार देख लेना उसको। आंसर बताओ, ठीक है, डजंट मैटर। आंसर इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? इसका आंसर रहेगा कोविड। ये याद रखना, कोविड-19 जो है वो WHO के द्वारा दिया गया है, WHO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा। कोविड से याद रखना, कोरोना हो जाएगा, VI से वायरस होगा और D से डिजीज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल देखो, जो नेशनल एंथम है ना, नेशनल एंथम को गाना किस स्टेट के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है? अगर सवाल ये पूछा जाएगा तो आंसर यहाँ पे बनेगा महाराष्ट्र के अंदर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। एक्चुअली तमिलनाडु में भी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, फिर सवाल ये बन गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, बट अब महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ अप्लाई कर दी गई है। तो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें और भी देखने को मिले। राइट, यहाँ तक हो गया, सारे सवाल हो गए ना, अब आ जाओ ज़रा यहाँ पे कुछ रिविजन का पार्ट है। देखो ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2019 में हुआ, कहाँ? ब्राज़ील के अंदर। G7 2019 फ्रांस में हुआ। किर्गिस्तान में SCO की 2019 की बैठक हुई। जापान के अंदर 14th नंबर का G20 सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था 2019 में। ये इसलिए है, रिवीजन करते जाओ, एग्ज़ाम अब सर पे आ गए हैं, मार्च आने जा रहा है, मार्च में काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हैं वो लाइंड अप हो चुके हैं, इवन लोकपाल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दो अब। यहाँ पर G20 का 2020 वाला सम्मेलन सऊदी अरेबिया में होगा, इटली में G20 का 2021 में, और इंडिया के अंदर कब होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आसियान, RCEP और EAS, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 में बैंकॉक के अंदर। और NAM यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का जो पूरी आप कह सकते हो कि बैठक हुई थी वो बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजित करी गई थी। लास्ट वाला क्या है, इंडियन ओशन समिट, ये मालदीव्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चला जाए आगे। प्रियम्बल इज ऑल्सो कंपलसरी, राइट, MP के अंदर भी इसको कंपलसरी किया गया। अब आ जाओ न्यूज़ के पार्ट पे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है मणिपुर से जुड़ी हुई, तो ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं। मणिपुर के अंदर अभी हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है अगन फाउ हम्बा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या कहता है, ये प्रोग्राम फोकस करता है अर्ली पैडी क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि जो फसलें वगैरह होती हैं मणिपुर के अंदर, वहाँ पर किस तरीके से इरिगेशन की जो सुविधा है, जो आप कह सकते हैं सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, वो किस तरीके से पहुँचाई जाएंगी, उसके लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सी स्कीम शुरू करी गई, तो याद रखना मणिपुर के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। मणिपुर के CM कौन है, N बीरेन जी रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, मणिपुर आया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो लोकटक लेक, ठीक है, कहाँ, मणिपुर के अंदर, और यहीं पर आपको मिलेगा केबुल लामजुआ नेशनल पार्क। केबुल लामजुआ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं शंघाई डियर्स, और शंघाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। इसके अलावा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो भी मणिपुर के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में आपको काफ़ी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, बट मणिपुर के पार्ट से ट्राइब के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा रहेगा। फटाफट आंसर आना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जल्दी से आंसर करो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा रहेगा। ऑरेंज फेस्टिवल आपने बता ही दिया है, वेरी गुड, ठीक है, जल्दी से आंसर करो। अब देखो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो पोर्तुगल से जुड़ी हुई है, तो पोर्तुगल के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, मार्सिलो रेबेलो
नाम थोड़ा सा अजीब सा था, रेबेलो, ये भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। एक्चुअली ये गोवा आने वाले हैं, क्योंकि गोवा और पुर्तगाल का जो कनेक्शन है वो बहुत ही सालों से चला आ रहा है, तो ये गोवा के विजिट पे आने वाले हैं। क्या पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहले ऐसे पर्सन हैं जो गोवा आ रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले यहाँ के जो पीएम थे, कौन, एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारत की यात्रा पे आए थे और ये भी गोवा ही गए थे। तो ध्यान रख लीजिएगा कि पुर्तगाल के यहाँ पे पीएम कौन है, तो कोस्टा रहेंगे। अगर पूछा जाता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट बनेंगे रेबेलो। देखो सेशन के लास्ट तक रहना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्विज भी रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग FAO डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बीच में इस तरीके से मत किया करो कि इधर उधर भागते फिर रहे हैं। राइट, यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो गोवा के पार्ट से क्या क्या चीज़ें याद रखनी, पहले वो बात करते हैं। गोवा की कैपिटल पूछी जाएगी पानाजी हो जाएगी, यहाँ पे गवर्नर पूछे जाएंगे सत्यपाल मलिक जी, सीएम पूछे जाएंगे प्रमोद सावंत जी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो रिवर देखने को मिलती है, दैट इज़ मांडोवी एंड जौरी रिवर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर नेशनल गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। पुर्तगाल मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, ये है पुर्तगाल, ठीक है, दिस इज़ पुर्तगाल। अब यहाँ पे जो कंट्री ये दिख रही है ना, जिस इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है स्पेन। पुर्तगाल की अगर यहाँ पे कैपिटल पूछी जाएगी, तो कैपिटल रहेगी लिस्बन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक रोनाल्डो यहाँ पे हम लोग के साथ कनेक्टेड भी थे, तो जो रोनाल्डो हैं वो इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। ज़रा मुझे ये बताओगे, रोनाल्डो को अभी कुछ टाइम पहले एक अवार्ड मिला था, ज़रा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि वो जो अवार्ड था वो रोनाल्डो को कितनी बार मिल चुका है और मेसी को कितनी बार मिल चुका है, दोनों के नाम के साथ फटाफट से आंसर करो। करेक्ट, शिवानी कुमारी जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, बिल्कुल डिटेल में। ओके, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट क्या है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकॉल अमेंडिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद श्रीलंका। अब ये न्यूज़ क्या कह रही है, ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है DTAA। अब ये क्या होता है, देखो सपोज करो कि कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोई एक पर्सन है जो कि किसी भी कंपनी को आके लगाना चाहता है, ठीक। अब होता क्या है, अब मान लो जो कंपनी लगाना चाहता है वो USA से पर्सन आ रहा है, USA से आने वाला जो पर्सन है वो पहले गया मालदीव्स, और मालदीव से वो इंडिया में आके कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन जब उसने मालदीव्स के अंदर किसी कंपनी को अगर मान लो इस्टेब्लिश कर दिया है, तो पहले तो वो यहाँ पे भी टैक्स देगा, और अगर उसी को यहाँ पे इंडिया के अंदर आके अगर इस्टेब्लिश करता है तो वो यहाँ पे भी तो टैक्स देगा ना। तो अब क्या किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन इन दोनों जगह पे जाके कंपनी इस्टेब्लिश करेगा, तो उसको जो टैक्स है वो एक ही जगह पर पे करना पड़ेगा, दोनों जगह पे उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स हेवन जो शब्द है, ये भी कई बार चर्चा में देखने को मिलता है। टैक्स हेवन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो टैक्सेशन है वो 0% होता है, उसे टैक्स हेवन कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अभी इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के जो पीएम है महिंदा राजपक्षे, वो भारत की यात्रा पे आए हुए थे। इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो भी भारत की यात्रा पर आ चुके हैं, यानी कि दोनों ही लोग जो हैं वो इंडिया के विजिट कर चुके हैं। इंडिया के द्वारा बोला गया है कि जो मटाला एयरपोर्ट है श्रीलंका के अंदर, वो डेवलप किया जाएगा। श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, अब इनको कोई भी टेंशन नहीं है। इसके अलावा कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोटा जो है वो श्रीलंका की रहेगी कैपिटल। तो इतने सारे जो की पॉइंट्स हैं, इन सबको रिलेट करते हुए चला करो। और इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति, पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई थी, और जो दूसरी है जो कि नेवल है वो है स्लाइनेक्स। गॉट इट, चलें आगे। चलो अच्छा, अगली न्यूज़ देखो, जो आप लोग यहाँ पे बोल रहे थे नेशनल वीमेंस डे के बारे में, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, और ये दिन मनाया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी पे इस दिन को मनाया जाता है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको पता ही है। इनको एक टाइटल दिया गया है, वो टाइटल क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और इंडिया की सबसे पहली जो फीमेल गवर्नर थी वो भी कौन थी, वो भी सरोजनी नायडू जी रही थी। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हो कि कौन से स्टेट की ये गवर्नर के रूप में अपॉइंट करी गई थी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो, कौन से स्टेट में एज अ गवर्नर ये अपॉइंट करी गई थी? क्योंकि देखो जब भी गवर्नर वगैरह आते हैं, आजकल बड़े सारे सवाल बन ही रहे हैं गवर्नर के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए, फटाफट से आंसर करके बताओ। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यहाँ पे इंडिया एक्शन प्लान 2020 समिट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो समिट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई, तो नई दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया गया है। क्या इंडिया एक्शन प्लान, इस वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? इंडिया किस तरीके से एक्शन ले, क्या एक्शन होना चाहिए था? यूपी 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 यूपी, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कोलकाता नहीं है भाई, कोलकाता इज़ नॉट अ स्टेट, इट्स अ सिटी। मतलब तुम लोग कसम से बता रहे हैं, ज्योग्राफी के पार्ट में मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, सोच रहे हैं ज्योग्राफी क्लास अब ले ही आते हैं, यही और बचा हुआ है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना इंडिया और किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर आपको ये बैठक देखने को मिली। एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए आपसे कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो टाइम्स नाउ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी थीम क्या है, न्यू इंडिया विजन। इंडिया के अगर न्यू इंडिया विजन की बात करो तो इसका टारगेट रखा गया था 2022, तो लेट्स सी ये कब तक अचीव होता है। ओके, अगली न्यूज़ देखो, यहाँ पे आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। अभी ये अनाउंस किया गया है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यानी कि जितने भी सरकारी आपको स्कूल वगैरह देखने को मिलते हैं, वहाँ पे दो टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। पहला यहाँ पे जो फोकस करेंगे किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और दूसरा फोकस किया जाएगा वेलनेस के ऊपर। यानी कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अब दो एम्बेसडर्स बनाए जाएंगे, पहला होगा हेल्थ एम्बेसडर, दूसरा होगा वेलनेस एम्बेसडर। अच्छा, क्यों किया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर है ना, यानी कि HRD मिनिस्ट्री किसके पास है, रमेश पोखरियाल जी के पास है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहेगी, हरिद्वार उत्तराखंड रहेगी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें आयुष्मान भारत के बारे में, 2018 में इसकी शुरुआत हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करता है, बट न्यूट्रिशन लेवल अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। कल के एडिटोरियल में भी अगर आपने देखा हो तो पूरी एक कह सकते हैं कि पूरी लिस्ट निकली हुई थी कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आपको तमिलनाडु में मिलते हैं, और एक में तो ये भी सर्वे था कि सिर्फ 10% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी तरीके से पोषण दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है, तो इन सब की शुरुआत कहाँ से होगी, स्कूल से करी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि दो एम्बेसडर अपॉइंट किए जाएंगे तो कौन सी स्कीम के अंदर है, स्कीम का नाम रहेगा आयुष्मान भारत। ओके, चलो अच्छा, अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से जुड़ी हुई। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ध्यान रख लेना। अब कोलकाता के पार्ट से आपको क्या याद रखना है, अंडर वाटर जो ट्रेन चलाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, हुगली के किनारे पर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कोलकाता के अंदर 25th कोलकाता फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए थे जिसमें फोकस्ड कंट्री आपको देखने को मिली थी, कौन सी, जर्मनी। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ 102, लास्ट टाइम 103 थी, और उसके बाद भी अगर हम कहें तो आई डोंट नो यार क्या बोलना चाहिए, मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में। इंडिया के अंदर अगर देखें ना तो स्कीम्स तो बहुत सारी आती हैं, नाम तो बहुत सारे चेंज होते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट कितनी होती हैं ये तो हमें आज तक नहीं पता। अब अगला जो नाम है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पद्मश्री अवॉर्डी फैशन डिज़ाइनर वेंडल रॉड्रिक। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, तो ये बस याद रख लेना कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था और ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये फैशन डिज़ाइनर थे। अब आ जाओ स्पोर्ट्स के पार्ट पे, सबसे पहला जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पर, कौन सा अवार्ड बताना है। अरे अच्छा, रोनाल्डो ने ही पूछा हुआ है कौन सा अवार्ड बताना है, मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ ना, आपके नाम में रोनाल्डो लिखा हुआ है। अच्छा ये थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, मेसी को ये जो अवार्ड है वो 6 बार मिला है, रोनाल्डो को ये जो अवार्ड है ये 5 बार मिला है। अब तो बता दो अवार्ड का नाम क्या है, जल्दी से आंसर करो। अब देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या है, विच इंडियन हिल स्टेशन विल होस्ट द नेशनल विंटर गेम फ्रॉम 7th of March। सवाल में पूछा जा रहा है कि नेशनल विंटर गेम जो है वो इंडिया के अंदर कौन से हिल स्टेशन पे ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर इसका बताओ, आंसर क्या रहेगा। मैं नहीं बता रही, ये अवार्ड तो आप ही को बताना पड़ेगा, इतनी बार यह बताया हुआ है उसके बाद भी तुम लोग ऐसे करते हो। आंसर क्या रहेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे गुलमर्ग। कहाँ पर है ये, तो आंसर बन जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लोकेटेड है। इसके अलावा देखो अगर स्पोर्ट्स के पार्ट से आएगा ना तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हो जाएगा, इसके बाद 2024 में पेरिस हो जाएगा, नेक्स्ट 2020 के बाद जो अगले 4 साल हो जाएंगे उसमें लॉस एंजलिस रहेगा। इसके अलावा 2022 में जो चाइना में होंगे ओलंपिक्स वो भी याद रख लेना, और चाइना के बाद जो नेक्स्ट 4 ईयर्स पे होंगे वो इटली के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। इंडिया में जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं वो गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। बात समझ में आ गई, पटना कब आ रहे हैं, जब आप लोग बुलावा भेजें वाईफाई में उस दिन हम लोग पटना आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है, आप लोग बस कहिए तो सारे सेमिनार भी वहीं पटना में ही ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। अच्छा, पटना में अभी रिसेंटली कौन से ऐसे लीडर थे जिनकी एक मूर्ति अनवील करी गई थी, चलो अब पटना बोला है तो पटना पर ही सवाल पूछ लेते हैं, जल्दी से आंसर करके बताओ, कौन से ऐसे लीडर थे जिनकी अभी मूर्ति जो है वो अनवील करी गई थी। गोल्डन बूट, ना भाई गोल्डन बूट नहीं मिला था, अरे तुम लोग मतलब
बैलेंडियर अवार्ड, कुछ याद आ रहा है? ये जो अवार्ड है वो 6 बार मेसी को मिला था, 5 बार रोनाल्डो को मिला है, काफी ज्यादा ये चर्चा में भी रहा था। अब देखो अगला यहाँ पे आपसे न्यूज के पार्ट पे सवाल पूछा जा सकता है। मनप्रीत सिंह, अभी हाल ही में इनको यहाँ पे जो आपका हॉकी फेडरेशन है उसके द्वारा यहाँ पे मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हो जाते हैं जिसमें पूछा जाएगा मनप्रीत सिंह कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सिंपली आंसर क्या बनेगा? हॉकी रहेगा इसका आंसर। अब आ जाओ एमपी के अरुण जेटली, बिल्कुल करेक्ट। अरुण जेटली जी का जो स्टैचू है वो अनवील किया गया था पटना के अंदर, वेरी नाइस, वेरी गुड। एमपी का करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो मैंने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग इसका करंट अफेयर्स देखेंगे, फटाफट से सुनते जाइएगा। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, हाल ही में इनके द्वारा लोन दिया गया है किसको? एमपी को लोन दिया गया है ताकि रोड्स का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके। दूसरी न्यूज़ देखो, अवंती मेगा फूड पार्क जो है वो एमपी का सबसे पहला मेगा फूड पार्क यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इंडियन नेवी, अच्छा ये हिंदी में भी लिखा हुआ आगे, ठीक है परेशान मत होना, आगे इसको हिंदी में भी मेंशन कर दिया है। इंडियन नेवी के द्वारा अभी हाल ही में एक मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर करी गई थी जिसका नाम था स्पाइक, और इस मिसाइल को इंडिया ने खरीदा हुआ है इसराइल से। स्पाइक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया कहाँ पर, ये आपको याद रखना है, एमपी के अंदर। कहाँ से खरीदी है? इसराइल से खरीदी है। और तीसरा पार्ट एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है एंटी टैंक मिसाइल रहेगी। अगली चीज़ देखो 5% रिजर्वेशन, यहाँ पे ये बोला गया है एमपी के अंदर कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सबको यहाँ पे 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। अच्छा इससे एक चीज़ और याद आ गई, महाराष्ट्र के अंदर अभी एक और नया कानून बनाया गया है जिसमें ये बोला गया है कि जो वर्किंग डेज हैं, मतलब किसी भी ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं लोग, अब उनको 5 डे काम करना पड़ेगा, सिर्फ 5 दिन काम करना है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगी सबकी। महाराष्ट्र के अंदर ये नया कानून बनाया गया, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ऑल दो सवाल बनने के चांसेस कम होते हैं बट फिर भी। अगला देखो यहाँ पे वहीदा रहमान जी को नेशनल किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक, भोपाल के अंदर ई वेस्ट क्लिनिक को इस्टेब्लिश किया गया, भोपाल मेट्रो का जो नाम है उसको चेंज किया गया और नया नाम क्या रखा गया? राजा भोज इसका नया नाम रखा गया, इसको याद रख लेना, ठीक है। अगला महाराष्ट्र सॉरी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था स्वच्छता ही सेवा अभियान। अच्छा इसके अलावा ये याद रखना, मांडू फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, इसके अलावा नर्मदा फेस्टिवल, तानसेन समारोह, ये जितने भी फेस्टिवल समारोह हैं ना, और खजुराहो फेस्टिवल, ये सारे के सारे एमपी के अंदर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। एमपी को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे गोविंदा जी को अपॉइंट किया गया था एज अ एम्बेसडर, टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई थी, काफ़ी ज़्यादा ये नाम जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। एमपी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के अंदर ही खोला गया टाइम्स बैंक। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको ये कैल पढ़ाया यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ाया, और आपकी अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप मुझे मैथ्स पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे अमाउंट या फिर मनी जो है वो एक्सचेंज नहीं किया जाता। ये ऐसी सुविधा, ऐसा डिपार्टमेंट कहाँ पर है? तो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। Got it? Next देखो यहाँ पर एमपी के अंदर ही गवर्नमेंट ने एक काउ फॉर ऑनलाइन एडॉप्शन की शुरुआत करी थी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट हाँ है न्यूज़ में तो पता होना चाहिए। इसके अलावा मदद योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपली सवाल पूछा जाएगा मदद योजना जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट के द्वारा शुरू करी गई, आंसर बनेगा यहाँ पर एमपी। अगला देखो यहाँ पे कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग, सवाल पूछा जा सकता है कोसी और मेची ये दोनों जो नदियाँ हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है? तो 4900 करोड़ का अमाउंट दिया गया। ठीक है बात यहाँ तक समझ में आ गई, अब आ जाए जरा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे, फटाफट से ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में सवाल भी हैं, सेशन के आखिरी तक रहा करो क्योंकि आते जाओगे भागते जाओगे तो आधी चीज़ तो ऐसी नहीं समझ में आएगी। और हाँ शाम में पॉलिटी का क्लास भी मिलेगा 4:30 बजे, पार्लियामेंट चैप्टर से शुरुआत होने वाली है। पार्लियामेंट चैप्टर दो हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में देखो हमें याद क्या रखना है, काम क्या करता है? हंगर यानी कि भुखमरी को ख़त्म करने का काम करता है। माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें इसके द्वारा काम ये होता है कि न्यूट्रिशन के लेवल को और भी बेहतर कैसे करना है, ये काम इनके द्वारा किया जाएगा। अगला इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और इटली ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट के ऊपर जो एजुकेशन है वो स्कूल्स के अंदर कंपलसरी कर दी गई है। नेक्स्ट देखो इस्टैब्लिश कब हुआ है, 1945 में इस्टैब्लिश किया गया है, और इनके द्वारा ये कहा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जाएगा 2020
3 में. नेक्स्ट पार्ट आपको याद क्या रखना है, इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. कौन सी ईयर में इंडिया ने सेलिब्रेट किया? 2018 में. और FAO जो है ये कब सेलिब्रेट करेगा? 2023 में. तो दो अलग स्टेटमेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए. अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, ग्लोब फिश. ये क्या है? अ यूनिट ऑफ FAO फॉर इंटरनेशनल फिश ट्रेड. अभी देखो फिशिंग के लिए आइसलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है ना. सपोज करो एग्जाम में पूछा जाता है कि FAO जो है उसके द्वारा ग्लोब फिश नाम का जो एक पूरा आप कह सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक यूनिट है FAO की, तो ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है? क्योंकि ग्लोब फिश लिखा है ना, ग्लोबल लेवल पर फिशरी को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे और बेहतर बनाना है, वो जुड़ा हुआ है किससे? FAO से. ठीक है, चलो. अच्छा, करेक्ट. अब देखो आ जाओ सवालों पर, फटाफट से इन क्वेश्चन के आंसर देते जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट है, ये आपको आना चाहिए. बात समझ में आ गई यहाँ तक? ऑल गुड ना? चलो. अच्छा, पहले तो ये बताते जाना हाउ वाज द सेशन, और सेशन अगर पसंद आया क्या तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर द सेशन. अब देखो यहाँ पे, और हाँ अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इन तीनों क्लासेस के अलावा 6 AM, 7 AM और शाम में 4:30 PM के अलावा जो क्लासेज हैं वो आपको अन अकेडमी पे मिल रही हैं. SSC CHSL का जो बैच है, GS का विथ करेंट अफेयर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हो जाएगा. तो अगर आपने उसको अवेल नहीं किया है तो वाईफाई चैंप जो कोड है उसका यूज़ करते हुए आज से ही उसका सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर देना. और ये पूरे साल भर का होगा, मतलब जितने भी बैचेस आते जाएंगे ना, अभी तो SSC CGL चल रहा है, CHSL आने जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जो भी बैच आएगा वो भी आपको उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अलग अलग, आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट? चलो. अच्छा, पहला सवाल देखो, बफेलो रेस जिसका नाम है कंपाला, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? देखो तमिलनाडु, मुझे पता था जलीकट्टू सुनते ही तुम लोग के दिमाग में तमिलनाडु तो कभी नहीं आता है, कंपाला सुन के पता नहीं क्यों आ जाता है दिमाग में. इसे यहाँ पे आंसर क्या होगा? इट्स कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका बनेगा इसका आंसर. हाँ, इसमें भी रिजर्वेशन करवा दो, तुम लोग का बस चले ना तो हर जगह पर रिजर्वेशन करवा दो. चलो अगला सवाल देखो, अपातानी ट्राइब, ये जो जनजाति है ये कौन सा स्टेट की है? जल्दी बताओ. स्पोर्ट्स प्लेयर की लिस्ट, चलो ठीक है इस पे भी काम करते हैं. अपातानी ट्राइब कहाँ की रहेगी? अरुणाचल प्रदेश की. अगला देखो, लेपचा ट्राइब. अच्छा ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और लद्दाख में भी लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, इवन आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. ओके, आंसर बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, लेपचा ट्राइब कहाँ की है? ओके, दिस इज ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम की रहेगी. अगला देखो, PMC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके अगर एडमिनिस्ट्रेटर पूछे जाएंगे, जिनका अभी हाल कुछ समय पहले अपॉइंटमेंट हुआ था, जय भगवान जी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ये आपको देखने को मिलता है मुंबई के अंदर. ठीक है, आखिरी वाला बताओ, ये तो मैंने अभी बोला ही था, बोल दिया था ना मैंने इसका आंसर. मिजोरम लेपचा ट्राइब, नो. इसका आंसर क्या रहेगा? जलीकट्टू फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु के अंदर. पोंगल फेस्टिवल 4 दिन मनाया जाता है और जो दूसरा वाला दिन होता है उस दिन जलीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है. बात समझ में आ गई? चलो. अच्छा, इतनी चीज़ें जो थी हम लोगों ने सेशन में डिस्कस करी पूरे एक घंटे के अंदर. अब ये है आपके लिए होमवर्क का पार्ट, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है. प्लीज़ डिटेल में आंसर किया करो यार, कितनी बार ये चीज़ बोली है हमने आपको, एक चीज़ ढूंढने निकलोगे 1000 चीज़ें सीख कर वापस आओगे. ओके, ऑनलाइन. आप देखो सेशन को एंड करने से पहले ये बता दें, शाम में 4:30 बजे सेशन में जुड़ जाइएगा, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ऑलरेडी बजट सेशन जो है वो अभी चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब ये एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तो यहाँ पर आपको टोटल 7 स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं. इन 7 स्टेप को फॉलो करते हुए आप पहुँचेंगे कहाँ पर? अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे. वहाँ पे रेलवे भी आपको मिलेगा, SSC भी मिलेगा, बैंकिंग भी मिलेगा. आपका जो भी गोल है आपको वो सिलेक्ट करना है. गोल सेलेक्ट करने के बाद जितने भी नए नए बैचेस आते जाएंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे. अभी फिलहाल जो बैच है वो इसका चल रहा है CGL का. अगला जो बैच आने जा रहा है वो है CHSL का, जिसमें GS विद करेंट अफेयर्स मिलेगा. GS में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट बताया और कहानी खत्म, जो टाइम हम लोग को यहाँ नहीं मिल पाता है YouTube पे, वो सारा का सारा टाइम हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो वहाँ पर फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ GS ही मिलेगा, अगर 6000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो जिस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा वाईफाई चैंप को यूज़ करने पर, इस कोड को यूज़ करने पर, तो 5400 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे करेंट और GS मिलेगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, लाइफ खत्म नहीं.
इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। तो हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ जुड़ेगी वाईफाई चाम्प के कोड के साथ। तो 2020 में अगर आपको चैंपियन बनना है तो क्या करना है, सब्सक्रिप्शन पे जाके फटाफट से इसको खरीदना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब उम्मीद करते हैं सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार फिर बता दें, ये है टेलीग्राम लिंक, सही वाले चैनल पे पहुंचा करो, पता नहीं कहां कहां तुम लोग भटकते रहते हो। काफ़ी सारे से फेक अकाउंट भी बने हुए हैं मेरे नाम से, तो एक बार से ध्यान रखना, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आपको ये चैनल मिलेगा। गॉट इट, चला जाए आप। तो चलो मिलते हैं आपसे कब, शाम में 4:30 बजे जब आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं शाम में 4:30 बजे। बाय बाय।